अस्सलाम वालेकुम। तो भाई आज पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। इसके तीन न्यूमेरिकल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट फेवरेट हैं, तो उन्हें आपने नहीं छोड़ना। और उसमें से न्यूमेरिकल नंबर 3.8.3 वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो आपने ज़रूर करना है और मैं आज की वीडियो में कराऊंगा। एक सवाल, उसके बाद ये लॉ शुरू कराता हूँ कि क्या हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम फोर्स सेम है या नहीं, इस चीज़ का जवाब कमेंट सेक्शन में दो और मैं वीडियो में भी इस चीज़ का जवाब आपको दे दूंगा, ताकि अगर नहीं आ रहा तो समझ में आ जाए। अब सबसे पहले पढ़ते हैं कि कूलम्स लॉ है क्या। भाई देखो, ये लॉ जो है कूलम नाम के एक भाई साहब ने दिया था, तो इसीलिए इसे हम कूलम लॉ कहते हैं। अब बड़ी ही अच्छी बात करी इन्होंने। इन्होंने क्या बात करी कि आपके पास अगर दो चार्जेस हैं तो उनके दरमियान एक फोर्स होगी, उस फोर्स को कहा जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कोई मुश्किल बात, कोई टेंशन वाली बात, कोई परेशानी वाली बात नहीं करी ना मैंने। मैंने क्या कहा कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं तो उन चार्जेस के दरमियान एक फोर्स होगी, वो फोर्स आपके पास कूलम फोर्स होगी। अब ज़रा यहाँ पर बात को समझ लेते हैं। ज़रा ये आपके पास है चार्ज वन, जो कि मैंने पॉजिटिव में ले लिया है। ये आपके पास है चार्ज टू, जो कि मैंने नेगेटिव में ले लिया है। अब इस चार्ज की भी कोई फील्ड होगी और इस चार्ज की भी फील्ड होगी। जब ये दोनों चार्ज एक दूसरे की फील्ड में आ जाएंगे तो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे, उस ही फोर्स को कहा जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स। तो दे दिया ना मैंने जवाब वीडियो में ही, ठीक है। अच्छा, अब बात ये होती है कि पॉजिटिव चार्ज हमारे पास किस तरह से बिहेव करता है। तो देखो, एक बात याद रखना, मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो देख लेना, उसमें मैंने ये बात बोली नहीं थी, इसलिए अभी बता रहा हूँ कि आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव भी हो सकती है और अट्रैक्टिव भी हो सकती है। यानी ये फोर्स दो चार्जेस को आपस में मिला भी सकती है और एक दूसरे से दूर भी भेज सकती है। ज़रा यहाँ पर देखो, और आप ये होगा कब, जब दोनों चार्जेस अलग अलग उसके होंगे, अलग अलग इनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी जब नेचर में अपोजिट होंगे तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट। जब नेचर में सेम होंगे तो ये करेंगे रिपेल। मैंने आपको ये बताया था कि चार्ज आता कहाँ से है। चार्ज आता है आपके पास, कोई भी समझ लो, एक हाइड्रोजन का एटम है, उस एटम में आपके पास इलेक्ट्रॉन था, जिसको मैंने यहाँ पे इस तरह से बना दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, अब ये एक फ्री चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इसकी फील्ड है, समझ गए। और ये पॉजिटिव वाला प्रोटॉन, ये भी एक चार्ज हो गया। तो बहुत आसानी से बात समझ में आ गई ना। इसी तरह से आप बहुत सारी चीज़ों से जो है इसको देख सकते हो, बहुत सारे एटम से देख सकते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ कैसे रही है। देखो, जब भी अगर चार्ज आपके पास पॉजिटिव है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड निकलेगी, ठीक है, और वो हर तरफ होगी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। फॉर एग्जांपल, ऐसे भी बाहर की तरफ होगी, ऐसे भी बाहर की तरफ, ऐसे भी बाहर की तरफ, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, और ऐसे भी बाहर की तरफ होगी। अगर चार्ज नेगेटिव होगा मेरे भाई, तो फील्ड अंदर की तरफ होगी, ऐसे भी अंदर की तरफ, ऐसे भी अंदर की तरफ, ऐसे भी अंदर की तरफ, ऐसे भी अंदर, ऐसे भी अंदर, ऐसे भी अंदर की तरफ, ऐसे भी अंदर की तरफ, और ऐसे भी अंदर की तरफ होगी। समझ में आ गई बात, बहुत प्यारी बात करी है। अच्छा, अब यहाँ पर ये सेंटर है, समझ लो ये सेंटर है। अब ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के। अब देखो, बुक में जो बात लिखी हुई है उसी को मैं बहुत आसान करके समझा रहा हूँ, फिर बुक से भी समझाता हूँ जो बराबर में चल रही है पेज। क्या कहा मैंने, इन चार्जेस का कोई मैग्नीट्यूड होगा। समझ लो ये प्रोटॉन है, तो इस प्रोटॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, यानी इसकी चार्ज की वैल्यू होगी। चार्ज की वैल्यू क्या होगी, इसको मैं क्यू लिख रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू होगी प्लस में, ये पॉजिटिव चार्ज होता है आपके पास प्रोटॉन, 1.6 × 10⁻¹⁹। ये क्या हो गया इसका मैग्नीट्यूड। ये इलेक्ट्रॉन लिया है मैंने, तो इसकी वैल्यू हो गई −1.6 × 10⁻¹⁹। एक गलती है, कूलम कूलम, तो ये जो फोर्स है इन दोनों चार्जेस के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के। जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा, यानी ये वैल्यू, मैग्नीट्यूड क्या होता है ये समझ लो,
मैग्नीट्यूड लिख लो अपने पास, मैग्नीट्यूड आपके पास होती है वैल्यू, ठीक है, जैसे फोर्स की वैल्यू 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 10 न्यूटन, तो ये मैग्नीट्यूड होता है आपका, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ये नंबर होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगी, बात सिंपल करी है मैंने, ठीक है। अब इन दोनों चार्जेस के दरमियान है डिस्टेंस, वो डिस्टेंस कहाँ से लिया जाता है, इनके सेंटर से लिया जाता है, ठीक है, इनकी बाउंड्रीज से नहीं लेते, अक्सर बाउंड्रीज से बना देते हैं बच्चे, तो बाउंड्रीज से कभी नहीं बनता, चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस उनके सेंटर से बनता है, ये याद रखना। इन दोनों चार्जेस के दरमियान के सेंटर को कहा जाता है आर, क्या कहा जाता है, आर। अच्छा, पहली बात मैंने समझाई, तो पहले पॉइंट से क्या बात समझ में आई कि एफ जो है यानी फोर्स जो है कब ज़्यादा होगी, जब इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, ये चार्ज 1 है तो Q1, ये चार्ज 2 है तो Q2, ठीक है। तो पहली बात क्या थी कि फोर्स ज़्यादा होगी अगर इन दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है और उसका प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट भी कर लेना, प्रोडक्ट का लफ्ज़ भी शामिल करना, ठीक है। तो यहाँ लिखा है मैंने डायरेक्टली द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस प्रोडक्ट, यानी ये फोर्स कब ज़्यादा होगी, जब आपके पास इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। देखो डायरेक्टली का से पहले फोर्स है, डायरेक्टली फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जिस प्रोडक्ट, बात समझ आ गई, बहुत अच्छी सी बात समझ आई, ठीक है। लेकिन ये फोर्स कम होगी इनवर्सली द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ये फोर्स कम होगी कब, जब दोनों चार्जेस एक दूसरे से दूर होंगे, लेकिन स्क्वायर ये फोर्स आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस के इन दोनों चार्जेस के दरमियान के, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये चार्जेस एक दूसरे के करीब हैं तो फोर्स जो है वो ज़्यादा होगी, यानी डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज़्यादा है, तसव्वुर करो चार्जेस एक दूसरे के करीब हैं तो डिस्टेंस क्या हुआ, कम, तो फोर्स क्या हो जाएगी आपके पास, ज़्यादा, ठीक है। सिंपल बात करी ना मैंने, अगर इन दोनों चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स क्या हो जाएगी, कम। लेकिन एक बात याद रखना, रेडियस का यानी डिस्टेंस का स्क्वायर होगा, ठीक है, डिस्टेंस का स्क्वायर होगा। ये हो गई आपके पास इक्वेशन 1, ये हो गई आपके पास इक्वेशन 2। एक बात और लिख लो कि ये जो फोर्स है, इस फोर्स को हम कहते हैं कूलम्स फोर्स, ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, बहुत बार आपसे सवाल में वो ये नहीं कहेंगे कि कूलम फोर्स बताओ, वो कह देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताओ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब भी कूलम फोर्स है, होता है ना कभी कभार, आपका नाम होता है बासित या अली, आपको कोई प्यार से कोई और नाम से भी बुला रहा होता है, अब मुझे भी बचपने में बुलाया जाता था, वो मैं नहीं बताऊंगा, अगर वो मैं बता दूंगा तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक राज है। अब ये भी फोर्स, ये भी फोर्स, तो कंपेयर कर दो इक्वेशन 1 और कंबाइन कर दो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, ठीक है, कंबाइन BINE कंबाइन इक्वेशन 1 एंड ये इसकी डेरिवेशन है, अगर इसकी डेरिवेशन आ जाए ना तो बस ये छोटे से 4-5 स्टेप्स हैं, ये इसकी डेरिवेशन है। अब कंबाइन का वर्ड लिखा, कंपेयर का क्यों नहीं लिखा, देखो कंपेयर में क्या होता है कि ये और ये आपस में एक दूसरे के सामने सामने आ जाते हैं, या कंपेयर नहीं किया मैंने, कंबाइन, कंबाइन का मतलब ये होता है जो चीज़ 2 टाइम है उसको 1 टाइम लिख दिया जाएगा, ठीक है, जो चीज़ 2 टाइम है उसको 1 टाइम लिख देंगे। देखो ये डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन भी 2 टाइम है तो इसको भी 1 टाइम लिख दिया, Q1 Q2 एक ही टाइम है तो वो एक ही टाइम आएगा, ठीक है, Q1 Q2 और R भी एक टाइम है, R का स्क्वायर तो वो भी एक टाइम आएगा। अब एक मेरी बात सुनो, अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है तो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराना होगा, तो कांस्टेंट यहाँ पर है आपके पास K। अब ये कांस्टेंट क्या है मैं बता दूँ, ये कांस्टेंट है, इसको कहा जाता है कूलम, कूलम लॉ दिया है तो कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं इसको। अब इसकी वैल्यू भी लिख लो, और ये है क्या ये भी बताता हूँ, अभी टेंशन नहीं लो, अभी इस पर बड़ी बात करने वाला हूँ मैं, अमूमन इस पर ज़्यादा बात नहीं होती लेकिन मैं इस पर ज़्यादा बात करूँगा आज। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हट गया, इक्वल टू आ गया, कांस्टेंट आ गया, Q1 Q2
अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, अब इस k की वैल्यू क्या होती है? इस k की वैल्यू होती है 9 × 10⁻¹⁹, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये इसका यूनिट याद रखना, कैसे आया? r को आप r को आप इधर ले गए फोर्स के साथ, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन मीटर, और मीटर पे स्क्वायर है तो वो भी स्क्वायर हो गया। कूलम यानी Q1 Q2 आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं, दोनों का यूनिट सेम है, कूलम कूलम, तो वो भी प्रोडक्ट होकर कूलम स्क्वायर में आ गया। ठीक है, अब ज़रा मेरी थोड़ी सी और बातें सुने। परमिटिविटी, जो ये असल चीज़ है, अगर ये मैंने आपको समझा दिया ना, समझ लो आज के लेक्चर का हक अदा हो गया। परमिटिविटी क्या होती है? ये फोर्स मैंने दो चीज़ों पर तो बता दी डिपेंड कर रही है, ये फोर्स तीसरी चीज़ पर भी डिपेंड करती है, वो चीज़ होती है परमिटिविटी। और परमिटिविटी की ये इन्वर्सली होती है, इन्वर्सली द परमिटिविटी, या इन्वर्सली टू परमिटिविटी, एक भी बात है, इन्वर्सली द परमिटिविटी। अब ये फोर्स इन्वर्सली क्यों है परमिटिविटी के? परमिटिविटी होता है आपके पास ये मीडियम की इलेक्ट्रिक, जो है वो इलेक्ट्रिक करेक्टरिस्टिक्स होती है, कि कोई भी मीडियम कितना फील्ड को अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेगा, कोई भी मीडियम कितना अपने आप को, कितना अपने अंदर फील्ड को अब्जॉर्व कर रहा है, ये परमिटिविटी है। फिर बताओ परमिटिविटी क्या है? कि कोई भी मीडियम कितना जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स को ऑब्जॉर्व कर रहा है, ये परमिटिविटी है। अब अगर आपने दो चार्जेस को ऐसे मीडियम में रख दिया जो कि इनकी फील्ड को ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, तो भार वाली चीज़ ने ऑब्जॉर्व कर लिया फोर्स को, तो दो चार्जेस के दरमियान तो फोर्स कम लगेगी ना। बात समझ आ गई, इसको थोड़ा और समझाता हूँ। कहते हैं ना कि अगर दो लोगों की लड़ाई हो तो तीसरा फ़ायदा उठाता है, वही बात है। कैसे वही बात है? कि ये एक चार्ज है नेगेटिव, ये एक चार्ज है पॉजिटिव, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे थे, मगर ये मौजूद था लिक्विड के अंदर, लिक्विड के अंदर। तो परमिटिविटी क्या बताती है? और लिक्विड की परमिटिविटी जो है, परमिटिविटी को आप ई से शो करते हो, लिक्विड की परमिटिविटी जो है वो आपके पास ज़्यादा है। तो लिक्विड क्या करेगा? इन चार्जेस की फोर्स को अब्जॉर्व कर लेगा। तो जब फोर्स पानी ने अब्जॉर्व कर लिया, लिक्विड को मैं यहाँ वाटर कह रहा हूँ, तो जब फोर्स वाटर ने अब्जॉर्व कर ली, तो दो चार्जेस के दरमियान तो कम हो गई ना। बात समझ आ गई। अब परमिटिविटी कहाँ से आ गई? सर यहाँ तो आपने नहीं बनाई थी, मैं बनाता हूँ, अभी रुको मैं बनाता हूँ। इस k को देखो, ये k किसके बराबर है? ये k बराबर है 1/4πE₀। अब ये E₀ लिखने की वजह बहुत ख़ास है। देखो, कोई भी चीज़ बेमकसद नहीं होती, हम कह देते हैं ना कि ये बेकार है, कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती, हर चीज़ का वजह होती है। इस E₀ की भी वजह है। ये E₀ क्या है? ये E₀ क्या है आपके पास? ये E₀ है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब फ्री स्पेस क्या है? बात ही समझ में आ रही है कि दो चार्जेस के दरमियान कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्पेस है, कोई मीडियम दो चार्जेस के दरमियान नहीं रखा है। तो जब दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम नहीं है, फ्री स्पेस है, तो फ्री स्पेस उन चार्जेस की फोर्स को बहुत कम अब्जॉर्व करेगा। तो फ्री स्पेस में आपके पास ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है बहुत ज़्यादा आएगी। बात क्लियर हो गई? तो यहाँ पर ये E₀ क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू भी देखते जाओ आप लोग, इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻¹². यूनिट कैसे आएगा? यूनिट अभी बताता हूँ, ज़रा यहाँ पर वैल्यू पुट करो। F=1/k खोल दिया तो k किसके बराबर आया? 4πE₀ Q1, Q2, ऐसे भी फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, R का स्क्वायर। हाँ, तो अगर परमिटिविटी ज़्यादा होगी, फोर्स कम होगी, क्यों? इन्वर्सली रिलेशन है, ठीक है, ये बात मैं बताना चाह रहा था। जैसे अगर लिक्विड की परमिटिविटी ज़्यादा है तो फोर्स क्या होगी दो चार्जेस के दरमियान? कम। फ्री स्पेस की परमिटिविटी कम है, फोर्स क्या होगी दोनों चार्जेस के दरमियान? कम। बात समझ आ गई माशाल्लाह से, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि अगर आपके पास फोर्स ज़्यादा आ रही है दो चार्जेस के दरमियान, तो उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि परमिटिविटी कम हो।
परमिटिविटी क्या है कि दो के किसी भी मीडियम में ऐसी इलेक्ट्रिक खसूसियत, मैं इसको आसान कर देता हूँ, परमिटिविटी आपके पास ये है कि मीडियम जो है वो आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स को ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो परमिटिविटी यही बताता है कि कितना जो है इलेक्ट्रिक फोर्स को ऑब्जॉर्व किया गया है, वैल्यू बता रहा होता है ये, ठीक है। परमिटिविटी ज़्यादा है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा ऑब्जॉर्व हो रही है मीडियम में, परमिटिविटी कम है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कम ऑब्जॉर्व हो रही है मीडियम में। क्लियर हो गई बात, बहुत माशाल्लाह से प्यारी समझ आ गई है। अब न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे, लेकिन पहले थोड़ा बुक को भी देख लेंगे। मैंने एक बात बोली थी, यहाँ पे लिख लो, मैं कूलम फोर्स कह रहा हूँ यानी मैं कूलम फोर्स कह रहा हूँ यानी मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बात कर रहा हूँ। तो कूलम फोर्स इज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। इस चीज़ को कभी नहीं भूलना कि कूलम फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, कूलम फोर्स रिपल्सिव भी हो सकती है। एक और बात लिखते हुए जाओ कि कूलम बोल लो या इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल लो, या इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोला जा रहा होता है, कूलम्स फोर्स इज GREATER ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक सॉरी कूलम फोर्स ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, बात कोई मुश्किल परेशानी टेंशन वाली बात, कोई गलत बात तो नहीं की ना मैंने। तो यहाँ पर आकर ये आपका कूलम लॉ कंप्लीट होता है। अब एक चीज़ और मैं समझाता हूँ, यहाँ पर ये लिखी हुई है रिलेटिव परमिटिविटी। आप बोलोगे सर ये ब्लैक पेन आपने लिया हुआ है, इस्तेमाल तो करते नहीं है रिलेटिव, अभी तक मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं इसे कैसे इस्तेमाल करूँगा ब्लैक पेन को। तो रिलेटिव परमिटिविटी अब रिलेटिव परमिटिविटी आखिर ये क्या चीज़ है? अभी मैंने परमिटिविटी की बात की ना, तो देखो हम हर मीडियम की परमिटिविटी अलग है, लिक्विड की परमिटिविटी अलग है, गैस की अलग है, फ्री स्पेस की अलग है, वैक्यूम की अलग है। तो क्या सारी परमिटिविटी की वैल्यू याद रखोगे? नहीं याद रख सकते। तो आप क्या करते हो, रिलेटिव परमिटिविटी देख लेते हो कि इस मीडियम की परमिटिविटी फ्री स्पेस के मुकाबले में कितनी है, तो उससे आपके पास आसानी हो जाती है कि फॉर एग्जांपल वाटर की जो परमिटिविटी है वो लिक्विड के मुकाबले में 80% ज़्यादा होती है। अगर मेरे पास परमिटिविटी 80% ज़्यादा है, ठीक है, ये परमिटिविटी है, अगर परमिटिविटी 80% ज़्यादा है तो फोर्स क्या होगी, 80% कम होगी। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो हम सारी परमिटिविटीज़ की वैल्यू नहीं याद रख सकते, तो रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट आ गया। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है कि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को हम कंपेयर कर देते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से। फार्मूला चेक करो मेरे भाई, फार्मूला है E=ER E0। ई नॉट क्या है, ऊपर लिखा हुआ है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ER मैं आपके लिए लिखूंगा रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी। अच्छा, अब मैं बुक से थोड़ी सी मदद लेना चाहूँगा, बुक से आपको थोड़ा सा पढ़ाना चाहूँगा। देखो ये जो तीन पॉइंट मैंने लिखे थे ना, हो सकता है ये इसमें ग्रामेटिकल एरर मौजूद हो, ठीक है, क्योंकि आप लोग मुझसे अच्छी ग्रामर जानते हो माशाल्लाह से, लेकिन ये वही बात मैंने शॉर्ट में करके लिखने की कोशिश की जो बात आपको बुक में लिख के दी गई। कूलम फोर्स क्या है, दिस लॉ गिव्स द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिपेंड्स, मैंने बता दिया डिपेंड्स कैसे कर रही है, डायरेक्टली इन्वर्सली और इन्वर्सली। अब ज़रा यहीं पे देखो लिखी हुई है बात, सबसे पहला पॉइंट पेज नंबर 162 पे, जो बराबर में चल भी रहा होगा, अगर नहीं चल रहा तो बुक खोल लो। इफ़ टू चार्ज्ड पार्टिकल्स आर नियर ईच अदर दे एग्जर्ट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ईच अदर, जब दो चार्जेस को एक दूसरे के करीब लाओगे वो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे इस हाथ में चार्ज होता, इस हाथ में चार्ज होता और मैं एक दूसरे को करीब लाता, तो मुझे महसूस होता कि ये दोनों एक दूसरे पे कुछ फोर्स लगा रहे हैं। अब ये फोर्स कैसे ये फोर्स कब ज़्यादा होगी कब कम, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वैक्टर डिपेंड ऑन द साइन ऑफ द चार्जेस। अब ये वैक्टर का क्या चक्कर आया, ये लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन दिख रही है, ये जो लाइन बनाई है यही फोर्स
वेक्टर थी, ठीक है। यही ये लाइन जो है वो फोर्स वेक्टर थी आपके पास, ठीक है। वेक्टर क्यों बनाते हैं, ताकि हम जो है वो उसकी डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड और उसको पता कर सकें, ठीक है। अच्छा, तो ये आगे इन्होंने लिखा है, मैंने बात बता दी थी कि अगर चार्जेस सेम है, यहाँ पर बना रहा हूँ, यही बात आगे लिखी हुई है, अगर चार्जेस सेम है तो करेंगे रिपेल। अब सेम में पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है। अगर चार्जेस डिफरेंट हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, अट्रैक्ट करेंगे, बड़ा ज़बरदस्त अट्रैक्ट करेंगे। चलो बात हो गई, इसी को देखो लिखा हुआ है, इफ़ द पार्टिकल्स हैव द सेम साइन ऑफ चार्जेस। चार्ज कैसे आता है मैंने बताया, चार्ज को निकालने के एक फॉर्मूला होता है, चार्ज फार्मूला लिख लो, ताकि अगर किसी बच्चे को कभी ये मिल जाए लिखा हुआ फार्मूला तो वो पता उसको कि क्या पढ़ाया था मैंने, Q इज इक्वल टू एन ई। ये Q क्या है, चार्ज, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है आपके पास, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक जगह पे बहुत सारा क्राउड जमा हुआ है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इस क्राउड में अली भी आया है, इस क्राउड में बासित भी आया है, इस क्राउड में जैन भी आया है, इस क्राउड में अशर भी आया है, इस क्राउड में शामिर भी आया है, ऐसे तो नहीं करूँगा ना। मैं क्या कहूँगा, ये बहुत बड़ा क्राउड है, यानी समझ लो बहुत सारे चार्जेस हैं। कितने चार्जेस हैं, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसको आप किससे लिखते हो, एन से। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी एच ए आर जी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करोगे, इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे, तो आपके पास चार्ज कितना है ये पता चल जाएगा, ठीक है, बात समझ आ रही है। और यही करंट में भी आगे आने वाली है चीज़, करंट में भी बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही एक जगह से दूसरी जगह लगे होते आने जाने में। अच्छा, तो ये बात इन्होंने लिख दी है, ये बात मैंने बड़े डिटेल में भी बता दी, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है, रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आई होप समझ आ गई होगी, बहुत अच्छे अल्फाजों में, बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको ये बताया। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो मुझे बताना। अब उस सवाल का जवाब आपको मिल गया ना, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा होती है। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल, ठीक है, जो असल हमारा मकसद था। थोड़ा वीडियो टाइम लग गया, लेकिन मैंने बहुत डिटेल में समझाना था, इसीलिए टाइम ज़्यादा लगा। पेज नंबर 16 फोर देखो, उसके ऊपर आपको परमिटिविटी का वो दिया हुआ है, क्या कहते हैं, चार्ट दिया हुआ है कि किस चीज़ की परमिटिविटी कितनी है, ये सारा आपको उधर बताया हुआ है। अब न्यूमेरिकल यकीन मानो आपके लिए बहुत हलवा हो चुके हैं, ठीक है, बहुत हलवा हो चुके हैं। कांस्टेंट वगैरह जो लिखवाए थे उसको याद रखना, मैं यूज़ करूँगा आगे, ताकि आप लोगों को बात आसान समझना। अच्छा, फोर और पाए उसमें मौजूद था, वो देख लिया ना, फोर पाए यानी दो चार्ज हैं। अच्छा, अब हम करते हैं अपना न्यूमेरिकल नंबर, यानी वर्क एग्जांपल 8.1 लिख देता हूँ, ताकि अगर कोई बच्चा सिर्फ न्यूमेरिकल देखना चाहे तो वो भी देख सकता है। वर्क एग्जांपल 8.1। अब देखो, अब आपने थोड़ा तहम्मुल से वीडियो को देखना होगा, क्योंकि अब हम न्यूमेरिकल पर आ गए हैं। मैं बहुत अच्छी तरह डायग्राम ड्रॉ करके फिर बात को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। पढ़ूँगा तो मैं इधर ही से, जो मुझे इधर लिख के दिया हुआ है, गिवन डेटा देखो क्या दिया हुआ है। मैं अपना अगर यूनि का पेपर भी देता हूँ तो उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही न्यूमेरिकल करता हूँ, और जब इस तरह से करता हूँ तो बहुत आसान हो जाते हैं। द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम, बात समझ में आ गई जो मैंने बताई थी बात। देखो, ये आपके पास एक हाइड्रोजन का एटम था, ये क्या था, एटम था आपके पास, इसमें यहाँ पर था इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर था प्रोटॉन, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे ये लोग, ठीक है। अब हुआ क्या, अलग अलग हो गए, जुदाई हो गई, ये हो गया आपका प्रोटॉन, यहाँ पर आ गया आपका, यहाँ पर आ गया आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को इन्होंने ऐसे बनाया है। अब अगर ऐसे में नहीं बनाऊँ ना, इसको ऐसे भी बना सकता हूँ, तो भी ये बात इलेक्ट्रॉन को ही डिनोट कर रही है,
लेकिन अभी मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, ऐसे, ठीक है, ताकि चार्ज नज़र आए। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर देखना चाहो तो ये यही चीज़ है, पॉजिटिव नेगेटिव। बात समझ आ गई, बता दी ना मैंने, आर सेपरेटेड बाय अप्रोक्सीमेटली। अब ये दोनों देखो, ये बात तो इन्होंने नहीं कही है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम आर सेपरेटेड, हाँ सेपरेटेड का वर्ड कह दिया उन्होंने, सेपरेटेड यानी एक दूसरे से दूर है। तो मैं सेपरेटेड का मुराद ये ले रहा हूँ कि ये दोनों एक दूसरे से एटम से ही बाहर निकल चुके हैं, यानी एटम टूट चुका है, ये तसव्वुर करके चल रहा हूँ ताकि और आसानी से बात समझा सकूँ। बाय अप्रोक्सीमेटली, अब ये दोनों एक दूसरे से कितना दूर हैं, मैंने बताया था अगर ये दोनों एक दूसरे से दूर होंगे, अब देखो ये जो मैंने बनाया है ना इसको मैं ऊपर बना देता हूँ क्योंकि ये नीचे जो है ना मुश्किल कर रहा है। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे से कितना दूर हैं और ये सेंटर से डिस्टेंस मेजर किया गया है, इसके सेंटर से मेजर किया गया है, ये दूर हैं एक दूसरे से 5.3। अच्छा, मैं एक मज़े की बात बताऊँ, मैंने तो इसे बाहर कर दिया है, लेकिन ये जो वैल्यू आ रही है ना रेडियस की, ये आ रही है 5.3 मल्टीप्लाई 10^-11 मीटर। जो फर्स्ट रेडियस होता है ना आपके पास, मैं यहाँ बताता हूँ कि जो आपके पास एटम का यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ना, रेडियस कहलाता है आपके पास, सॉरी यहाँ से कह लो उसको, यहाँ से तो वो रेडियस कहलाता है, उसकी वैल्यू होती है 0.5 मल्टीप्लाई 10^-10। इसको अगर पॉइंट को आगे शिफ्ट करोगे ना इतनी ही बनेगी। तो यानी ये बात मुझे समझ में आ गई है कि ये दोनों एक दूसरे से एटम से नहीं निकले हैं बाहर, ये एटम में ही है। अगर मैं इसका एटम बनाऊंगा ना तो यू बनाऊंगा, अगर मैं इसका एटम बनाऊंगा ना यू शेल बनाऊंगा, ठीक है। अब वो मैं नहीं बना रहा क्योंकि फिर बहुत ख़राब हो जाएगा, तो समझ लो मैंने सिर्फ फिर कह रहा हूँ एटम नहीं टूटा है, ठीक है, क्योंकि रेडियस मुझे ये बात बता रहा है कि एटम नहीं टूटा है, मेरी बात याद रखना। मैंने एटम टूट गया ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करा था ताकि बच्चों को ये बात समझ में आ सके कि चार्जेस एक दूसरे से कैसे दूर दूर हैं, ठीक है। लेकिन रेडियस ये बात बोल रहा है एटम नहीं टूटा है, एटम में ही अभी भी ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है और प्रोटॉन ये रहा आपका। दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 10^-11 मीटर। ये बड़ी लॉजिकल बात थी इसलिए क्लियर करना ज़रूरी थी, क्योंकि अगर कोई टीचर देखता तो वो मुझे कहता कि सर आपने गलत बात करी है ये, तो इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। उससे न्यूमेरिकल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस कॉन्सेप्ट पे फ़र्क पड़ेगा। तो आर आपका कितना दिया हुआ है, 5.3 × 10^-11 मीटर। अच्छा, उसके बाद कहते हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ऑब्वियस सी बात है ये इस पे इस तरफ फोर्स लगाएगा और इसको यहाँ पर अट्रैक्शन अंदर की तरफ फोर्स लग रही होगी, तो एक फोर्स होगी जो दोनों एक दूसरे पे लगा रहे होंगे, जो दोनों के दरमियान होगी, वो आपने कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है। अच्छा, एक और बात भी बोलते हैं, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल्स। अच्छा, साथ ही साथ इन दोनों पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैं एस से लिख रहा हूँ, एक और फोर्स भी है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन का लॉ याद है ना, न्यूटन ने ये बात अच्छी तरीके से करी थी कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, चाहे वो प्लैनेट्स हों, चाहे वो एटम्स हों, या चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह कुछ भी हों, ये सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ये वाला एटम, ये वाला प्रोटॉन ये वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट भी कर रहा है, तो वो हो गया आपके पास एफ जी। ये भी पता करो, इसका फॉर्मूला भी पता है आप लोगों को, मैं लिख भी दूंगा, मसला नहीं है। अच्छा, तीसरा कहते हैं, तीसरा कंक्लूजन है कि व्हाट इज़ योर कंक्लूजन अबाउट दीज फैक्टर्स फोर्सेस। कह ये रहे हैं कि कौन सी फोर्स ज़्यादा होगी, ये आपने बताना है। अब देखो यहाँ पर कौन सी फोर्स ज़्यादा होगी, यहाँ पर आपके पास एस आएगा और यहाँ पर जी आएगा, लेकिन ये आपने बताना है। ये बॉक्सेस इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या दोनों में फोर्सेस हैं। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगी तो जी लिख दूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा होगी तो यहाँ एस लिख दूंगा, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा होगी तो यहाँ एस और यहाँ जी। आपको वैसे पता है ये बात कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही ज़्यादा आएगी, ठीक है, अभी आपको इसका एक प्रूफ भी मिल जाएगा कि क्यों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा होती है। कूलम लॉ लगाओ, कूलम्स लॉ के मुताबिक फोर्स क्या है, एफ एस लिखना पड़ेगा हमें क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं। मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक को एस से लिखता हूँ, ठीक है, कहीं और आपको कुछ और लिखा हुआ मिले वो अलग है। तो के Q1 Q2 / r² इस फॉर्मूले से आप इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब आप बोलोगे सर
एक बात बताएं कि हमारे पास तो यहाँ पर वैल्यूज़ ही नहीं है। किस चीज़ की वैल्यू नहीं है सर? हमारे पास यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ों की तो वैल्यू ही नहीं है। मैं एक छोटी सी बात तो बता दूँ कि के की वैल्यू बुक में ना उन्होंने ये दी हुई है आपको 8.9 × 10⁻¹। 8.9 क्या ये 9 नहीं बन जाएगा? तो इसीलिए मैं के की वैल्यू याद रखना 9 × 10⁻¹ लिखता हूँ, और मुख्तलिफ जगह पर आपको यही लिखी हुई मिलेगी। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, ये याद रखना। चलो, अब आपने मुझसे बात तो की नहीं, Q1 Q2 तो आपको पता ही नहीं है। Q1 Q2 कांस्टेंट होते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन, उन्होंने कह दिया आपको कि एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, तो ये कांस्टेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऊपर नहीं लिखा मैंने, तो Q1 क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, QE लिख रहा हूँ, ठीक है, इसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बल्कि Q1 ही लिख देता हूँ, फिर मुश्किल हो जाएगी बच्चों के लिए समझना। तो Q1 क्या है? CHARGE, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, आप लोगों को लग रहा होगा सर काफ़ी टाइम ले रहे हो, लेकिन अगर मैं ये टाइम नहीं लूँगा ये ज़्यादती होगी, आपको बात नहीं समझ में आनी, इसीलिए मैं थोड़ा टाइम ले लेके काम करा रहा हूँ, वरना मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा खड़े होकर इतनी देर पढ़ाने में। मतलब मुझे भी तो टाइम देना पड़ रहा है ना, ये कह रहा हूँ। 1.6 × 10⁻¹⁹, ठीक है, और कूलम। अच्छा, Q2 क्या है? चार्ज ऑफ प्रोटॉन। देखो, चार्ज ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है, बस डिफरेंस होता है तो साइन का होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹। तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखता है, ये लिख लो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज नेगेटिव होता है। अब वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी? हो जाएगी सर। तो ज़रा लिखो, Fs क्या आ रहा है आपके पास? ये पार्ट ए है हमारा, बल्कि यहीं से चल रहा है हमारा पार्ट, ठीक है, डायग्राम ज़रूर बनाना। तो 9 × 10⁻¹⁹, Q1 क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया है मैंने, इसको Q1 ले लो, इसको Q2 ले लो, एक ही बात है। या अगर ऐसे मुश्किल हो रही है तो इसको Q2 ले लो, इसको Q1 ले लो, ठीक है। ये Q1 है आपका और ये आपका Q2 है, ठीक है। तो Q2 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q1 चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो माइनस का साइन नहीं पुट करना, वो सिर्फ ये बताने के लिए होता है कि वो नेगेटिव चार्ज है। −19, 1.6 × 10⁻¹⁹. अगर माइनस रख के सॉल्व भी करोगे तो सिर्फ माइनस की साइन इजाफी आएगी और कुछ भी फ़र्क नहीं आएगा वैल्यू में। 5.3 × 10⁻¹⁹ का स्क्वायर। रेडियस ऑफ फर्स्ट हाइड्रोजन एटम की ये वैल्यू गिवन है असल में आपको। अगर आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ लिया हो बोहर रेडियस, तो ये उसी की वैल्यू है, मैंने जब भी वहाँ पर वो लिखा है बोहर रेडियस। देखो कैलकुलेट कैसे करना है मेरे पास, देखो 9 × 9 लिखो, ठीक है, −1.6 × 10⁻¹⁹ लिखो, फिर −1.6 × 10⁻¹⁹ लिखो, फिर डिवाइड में ले जाओ 5.3 × 10⁻¹² ये वैल्यू बहुत ज़्यादा वैसे आ रही है, तो ENG दबा दो, इस तरह से लिख लो इसे 8.20 × 10⁻¹⁸ आप तो बोलोगे सर ये तो वैल्यू बड़ी छोटी आ रही है, लेकिन अभी आपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू तो नहीं निकाली ना। न्यूटन फोर्स जितनी भी हो दुनिया में कॉल करेंगे न्यूटन से। पहली फोर्स कैलकुलेट हो गई, अब दूसरी फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, यहाँ इन्होंने नेगेटिव लिया है तो इधर नेगेटिव लगा लो, तो इधर भी नेगेटिव आ जाएगा। मैंने फिर बताया सिर्फ ये नेगेटिव साइन ये बताएगा। अच्छा हाँ, नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन के होने से फ़र्क क्या बनेगा ये सुन लो। जब भी नेगेटिव साइन आ रहा है ना फोर्स में, तो फोर्स अट्रैक्टिव होगी। क्यों अट्रैक्टिव होगी? क्योंकि एक चार्ज नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव तो अट्रैक्ट करेंगे ना, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स। और जहाँ पे फोर्स अट्रैक्टिव है ना, वहीं पे आपके पास कूलम ग्रेविटेशनल फोर्स भी निकलेगी। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है, नेगेटिव साइन से पता चला। अब निकालेंगे हम इसका पार्ट बी, जो क्या है? कूलम फोर्स। ये आर लिखा है मैंने, मैं ऐसे ही लिखता हूँ आर, ठीक है। अच्छा, अब आप बोलोगे फिर सर अगेन वी डोंट नो द मासेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन।
ऐसा नहीं है, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होते हैं, हम बार बार पढ़ते आए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या फॉर्मूला आएगा, एफ जी इक्वल टू इसका कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एम वन, एम वन की बजाय मैं से एम ई लिख रहा हूँ और एम पी लिख रहा हूँ, एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम पी मास ऑफ प्रोटॉन और रेडियस का स्क्वायर, तो दोनों फॉर्मूलों में सेम ही रहता है। एक मीम है शायद आपने देखी हो या नहीं देखी हो कि मिस्टर बीन बैठे हुए और पेपर कोई लिख रहा हो वो यूँ देख रहे हैं, तो मिस्टर बीन पे लगा दिया है कूलम फोर्स और जो पेपर लिख रहा है उस पे लगा दिया ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स पहले आई थी न्यूटन ने दी थी ना। तो इस तरह से एक छोटी सी मीम है, देखी हो शायद पता अब, लेकिन अब समझ में आएगा उसका मतलब आपको। वैल्यूज देखो ज़रा, कॉन्स्टेंट्स देख लो, कॉन्स्टेंट क्या है, एम ई, ये एम ई हमारा वाला एम ई नहीं है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला है जो कि होता है 9.11 × 10⁻³¹ kg। कमेंट सेक्शन में बताओ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है या मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होता है, वैल्यू लिख रहा हूँ फिर भी आप बताओ ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को ये बात कैसे समझ में आती है, इनका एक्सपोनेंट का मतलब समझ में आता है या नहीं आता, ताकि मैं फिर बताऊँ। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन दे दिया, अब मुझे आपको बताना है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू बहुत आसान है, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻¹। ठीक है, अच्छा मैंने बुक में अभी चेक किया एक चीज़ वहाँ पर हुई भी है कि उन्होंने ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एफ ई कहा है, तो मैंने उसी वक्त ये बात बोल दी थी कि मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एफ एस कहता हूँ और उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स को एफ स्मॉल जी लिखा है, लेकिन मैं कैपिटल जी लिखता हूँ। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को इस चीज़ में मुश्किल हो रही हो तो बात उसे समझ में आ जाएगी, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, बुक में उन्होंने इसे एफ ई लिखा है, तो आप चाहो तो एफ ई बी इसे लिख सकते हो, कोई मुश्किल परेशानी की बात नहीं है, लेकिन एफ एस लिख दिया है हमने तो लिखे रहने दो। ये जो नोटेशंस होती हैं ये हमारे आसानी के लिए होती हैं, हमें कंफ्यूज करने के लिए नहीं होती। अच्छा, 8.85 × 10⁻¹২ एक मिनट उधर रुको, मैं इस जी की वैल्यू कंफर्म कर लूँ, क्योंकि जी की वैल्यू मैंने यहाँ नहीं लिखी, क्योंकि मुझे लग रहा है इसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻¹² होती है। अच्छा, 6.63, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू यहाँ पर आपको दी हुई है इन्होंने 6.67 × 10⁻¹১, हाँ सही है सही है, वो जो वैल्यू मैं बता रहा हूँ ना वो किसी और चीज़ की वैल्यू होती है, लेकिन फिर भी मैं इसकी वैल्यू कंफर्म कर लेता हूँ। तो भाई सही वैल्यू दी हुई है 6.67 × 10⁻¹১। ठीक है, अच्छा इसका यूनिट देख लेते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं, 6.67 × 10⁻¹১। अच्छा, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर नहीं होता क्योंकि ये फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होती है। ठीक है, याद रखना ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव है। और 1.6 × 10⁻²⁷ और डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर जो कि था 5.3 × 10⁻¹১ का स्क्वायर। चलो, अब ये जो फोर्स आएगी ये इसको आप एफ जी भी कह सकते हो या एफ स्मॉल जी भी कह सकते हो, याद रखना ये जो एफ एस लिखा है ये एफ ई ही है, कुछ और नहीं लिखा है मैंने। ठीक है, तो मैं एफ जी ही कहूँगा क्योंकि हर जगह यही कहता आया हूँ। अब ज़रा कैलकुलेट करना सिखाता हूँ आपको इस फोर्स को कि हाउ वी कैलकुलेट दिस फोर्स, हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस फोर्स। ज़रा एक मिनट कैलकुलेटर खोलने दो। हाँ देखो, सिंपल है, 6.67 × 10⁻¹² मल्टीप्लाई 9.11 × 10⁻³¹ माइनस ज़रूर लगा लेना वरना तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, मल्टीप्लाई 1.6 × 10⁻²⁷ डिवाइडेड बाय 5.3 × 10⁻¹² का स्क्वायर। अच्छा, तो वैल्यूज चेक कर लेते हैं, हाँ सही आ रहा है, तो 3.46 × 10⁻⁻¹ 3.46 × 10⁻⁻¹ ठीक है, ये वैल्यू आ गई 3.46 आ रहा था ना, नहीं देख लेते हैं एक बार हमारी क्या वैल्यू आ रही थी, हमारी वैल्यू आ रही थी 4.6, लेकिन यहाँ राउंड ऑफ करके 6 कर दिया तो कोई मसला नहीं है,
10^-47 माइनस 47, बाकी सारी चीज़ें हमारी सेम आ रही हैं न्यूटन। अब आखिर में पार्ट सी, कौन सी फोर्स ज़्यादा है? ये आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ये ग्रेविटेशनल है। तो सिंपल यहाँ पर बात समझ में आ रही है कि हमारे पास एफ एस ग्रेटर है और एफ जी कम है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर ग्रेटर, जी आर ई ए टी एल, ग्रेटर देन किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई मुश्किल, परेशानी, टेंशन? ये था इसका पूरा न्यूमेरिकल जो कि मैंने आपके सामने सिंपल और इजी वर्डिंग में कर दिया। अब आओ न्यूमेरिकल नंबर 2 निकालते हैं। देखो न्यूमेरिकल बड़े होते हैं, टाइम लेते हैं, मैं मानता हूँ, इसलिए ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती जा रही है। अगर मैं न्यूमेरिकल नहीं कराता तो आई थिंक हमने ये 20-22 मिनट या कुछ 30 मिनट में कवर कर लिया था टॉपिक, लेकिन न्यूमेरिकल की वजह से ये टॉपिक थोड़ा हमारा एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, वर्क एग्जाम्पल हमारे पास अब शुरू होगी 8.2। आगे न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं है इसके, यही इसी टॉपिक में न्यूमेरिकल ज़्यादा थे। गिवन डेटा और टू तलाश, टू फाइंड। ठीक है, अच्छा कहते क्या है, टू पॉजिटिव चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। अच्छा ये देखो, ये चार्ज है, ये चार्ज है। अब पॉजिटिव या नेगेटिव इस पर बात करता हूँ। आर प्लेस इन अ वैक्यूम एट डिस्टेंस एंड रिपेल ईच अदर, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। रिपेल करने की कंडीशन कब आएगी? या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो। तो दोनों पॉजिटिव रख के भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों नेगेटिव रख के। तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, एक इन्होंने बात और करी है इक्वल। अब मैंने जिस तरह की डायग्राम बनाई है वो इक्वल लग नहीं रहे हैं, लेकिन मैं इसे इक्वल बना देता हूँ। चलो अब इक्वल लग रहे हैं ना, तो दोनों का मैग्नीट्यूड Q1 इक्वल टू Q2 बराबर है। जितना मैग्नीट्यूड इसका होगा उतना ही मैग्नीट्यूड इसका होगा। इसकी भी नेचर पॉजिटिव है, इसकी भी नेचर पॉजिटिव है। इसके दरमियान के डिस्टेंस को देख लेते हैं। अब Q1 Q2 दोनों को आप सिर्फ Q कॉल कर सकते हो, क्यों? क्योंकि दोनों सेम वैल्यू देंगे इसीलिए। अच्छा इनके दरमियान का डिस्टेंस दिया हुआ है R इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे अभी थोड़ी देर में। अच्छा फोर्स दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हैं, ये इधर फोर्स आ गया, इसकी इधर की फोर्स आ गई, तो ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को। इनकी फोर्स है 0.1 न्यूटन की। ये इसकी डायग्राम थी, ये इसका खाका था, खाका यानी डायग्राम। दो चीज़ें पूछी हैं। एक चीज़ ये पूछिए मेरे भाई, आप बता दीजिए फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज, चार्ज की वैल्यू बता दीजिए। ठीक है थोड़ा सा बेहतर कर लो, चार्ज की वैल्यू बता दीजिए। तो स्टूडेंट दूसरे पार्ट में कहते हैं, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इफ दे आर प्लेसेस इन एन इंसुलेटिंग लिक्विड हुज परमिटिविटी इज 5 times दैट ऑफ अ वैक्यूम। देखो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितनी थी, यानी वैक्यूम आपके पास थी 8.8 × 10^-12। ठीक है, लेकिन अब परमिटिविटी आपके पास 5 गुना बढ़ गई है। अब इसे ई नॉट नहीं लिखना क्योंकि ये परमिटिविटी ऑफ लिक्विड है, सॉरी परमिटिविटी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल है। इंसुलेटिंग मटेरियल वो होता है जो कि इस्तेमाल किया जाता है कि एक इधर की चीज़ उधर ना जाए। ठीक है, जैसे कि एक मैं थर्मल इंसुलेटर लगा दूँ, तो अगर ये मोबाइल थर्मल इंसुलेटर है तो इस हाथ में अगर मेरे गर्माइश ज़्यादा है ना, तो इस हाथ की गर्मी इस हाथ में नहीं पहुँचेगी क्योंकि ये इंसुलेटर इस गर्मी को अब्जॉर्व कर लेगा। तो इसी तरह से अगर आप चार्जेस के दरमियान इंसुलेटर लगाओगे, यानी परमिटिविटी की वैल्यू आप बढ़ा रहे हो, तो अगर परमिटिविटी की वैल्यू आप 5 गुना कर रहे हो, 5 times कर रहे हो, तो फोर्स कितने टाइम आएगी ये बता दो। इसको मैं F5 लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हमारे पास परमिटिविटी अब 5 times ज़्यादा हो गई है। तो सबसे पहले आपने चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसके बाद कुछ और करेंगे, ये आसान है। सॉल्यूशन लिखो,
कूलम्स फोर्स, कित क्या आएगी आपके पास, एफ़ एफ ई लिखने की ज़रूरत नहीं है, एफ ई ठीक है, तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर पता है, के पता है, क्यू वन क्यू टू दोनों क्यू के बराबर है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, के क्यू का स्क्वायर, या ऐसे लिख लो अगर ऐसे लिखना चाहो, क्यू वन क्यू हो गया, क्यू टू भी क्यू हो गया, और आर का स्क्वायर, तो अब आपके पास आ गया के क्यू का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। वैल्यूज मतलब फार्मूला अरेंज करो ज़रा, तो ये एफ हो गया, ये आर का स्क्वायर हो गया, ये के हो गया, ये क्यू का स्क्वायर हो गया, अब जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर रूट ले लेना। एफ की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 0.1, आर की वैल्यू कितनी दी हुई थी, अच्छा आर की वैल्यू यहाँ लिख लो, वहाँ से उठा लो सेंटीमीटर, लेकिन हमें मीटर में चाहिए, तो हो जाएगा 0.5 मीटर, ठीक है, डिवाइड करके चेक कर लो अगर कंफ्यूजन हो रही है इसमें क्या आएगा, ठीक है, मैंने 50 को 100 से डिवाइड करा है ताकि वो मीटर में आ जाए, ठीक है, तो 0.5 का मीटर का स्क्वायर हो गया, और 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 हो गया, तो Q का स्क्वायर क्या निकला आपके पास, कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, तो 0.1 मल्टीप्लाई 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड 9 एक्सपोनेंट 9, द वैल्यू इज़ 2.7 मल्टीप्लाई 10 जस्ट ऊपर माइनस 12, लेकिन ये वैल्यू स्क्वायर में है, तो टेक स्क्वायरिंग, ख़त्म करनी है तो स्क्वायर रूट लगाना होगा, तो ये क्यू आपके पास क्या आ रहा है, अब हमारे पास जो वैल्यू होगी वो क्यू की होगी, तो अब मैंने तो ये डायरेक्ट कर दिया, लेकिन आप ऐसे कर लो 2.7 एक्सपोनेंट माइनस 12, देख रहे हो, तो 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, चेक करते हैं ये आ रहा है, अच्छा हमारा कुछ वैल्यू में फ़र्क आ रहा है, ज़रा देखते हैं, फिर से कैलकुलेट करते हैं ज़रा, 0.1 का मल्टीप्लाई 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 एक्सपोनेंट 9, तो यही वैल्यू आ रही है, ठीक है, अच्छा Q का स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, सिर्फ Q चाहिए, तो 2.7 एक्सपोनेंट माइनस 12, तो ये आ रहा है 4.6, हाँ सही आ रहा है, सही आ रहा है, तो थोड़ा मैंने सोचा समझा नहीं था हुआ क्या है, तो ये आ रहा है हमारे पास 4.6 एक्सपोनेंट माइनस 6। तो स्टूडेंट मैंने इसे वेरीफाई किया है, बुक में थोड़ा सा ना मसला है, बुक में आंसर दिया हुआ है 0.17, जबकि इसका आंसर आएगा 1.6 माइक्रो कूलम, मैंने चेक कर लिया है, आप भी दोबारा कैलकुलेशन करके देख सकते हो, आपके सामने बुक भी मौजूद है, कैलकुलेटर भी, यूट्यूब भी, इंटरनेट भी, आप चेक कर लेना, ठीक है, ताकि मेरे पे आपको भरोसा हो जाए, लेकिन अभी मेरे पे भरोसा करो, और जो मैं जवाब लिख रहा हूँ वही लिख लो, 1.6 आ रहा है हमारा, तो हमारा जवाब क्या आ रहा है स्क्वायर रूट करने के बाद, 1.64, और बाद में और भी नंबर आ रहे हैं, तो राउंड ऑफ करूँगा ना, राउंड ऑफ करने से ये आ जाएगा 7 ही बन जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6, अब देखो, और ये आ गया कूलम, अब 10 की पावर माइनस 6 यहाँ लिख लो, 10 की पावर माइनस 6 आपके पास बराबर होता है माइक्रो के, तो इसकी जगह आ जाएगा माइक्रो कूलम, 1.7 माइक्रो कूलम, लेकिन बुक में दिया हुआ है 0.17, तो वो गलत है, ये ठीक है, तो पार्ट वन हो गया, पार्ट ए हो गया, पार्ट टू में क्या कहा था कि हमारे पास जो फोर्स है वो 0.1 है, लेकिन आपने एक इंसुलेटिंग मटेरियल बीच में ले आए हो जिसकी वजह से परमिटिविटी 5 times हो गई है, तो हमने क्या पढ़ा था कि परमिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बराबर है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स के बराबर है, है ना, तो यहाँ पर लिख दो एफ़ प्राइम, यानी आपकी वो फोर्स जो कि आप पता करना चाह रहे हो, ठीक है, और यहाँ पर वो फोर्स जो ओरिजिनल थी, ये फॉर्मूला बना रहा हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पर परमिटिविटी, तो इस तरह से आपका जो है वो फोर्स आ जाएगी जो परमिटिविटी की वजह से आई है, तो एफ क्या है आपके पास,
0.1, ठीक है, और E नॉट क्या है आपके पास 5, तो इसको कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर जवाब आ गया। ठीक है, करके दिखाता हूँ, 0.1 डिवाइडेड बाय 5, तो ये साइंटिफिक नोटेशन में किया हुआ है ना मैंने, इसलिए ऐसा जवाब आ रहा है। तो देखो 0.02, वो बहुत सारे जीरो पीछे आ रहे हैं उसका कोई मकसद नहीं है, आगे आ रहे हैं उसका कोई मकसद नहीं है, सिर्फ इतना लिख लो न्यूटन। तो ये आपके फोर्स पे इफेक्ट पड़ा, तो जब भी बोर्ड में कहेंगे आपने ऐसे ही कैलकुलेट करके इसे दिखाना होगा। ठीक है, तो ये हमारे दो जवाब हो गए, अब हम तीसरा न्यूमेरिकल करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ये समझ में आ गया, इसको वेरीफाई कर लेना, ठीक है, मैंने भी कर लिया है, आप भी कर लेना, वीडियो रोक कर मैंने इसे पूरा वेरीफाई किया कि कहीं खुदा ना खास्ता मुझसे गलती ना हो जाए, लेकिन मैंने चेक कर लिया और कैलकुलेशन जिस तरह की कोई भी है वो भी देख लिया मैंने। अच्छा, अब आपका न्यूमेरिकल है आखिरी, इसके बाद वर्क एग्जाम्पल मैं आपके चला दूंगा तो वो भी देख लेना। अब मज़े की बात ये आखिरी न्यूमेरिकल ही बड़ा है और वही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ये पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसे बिल्कुल भी छोड़ के आप नहीं जाना वरना बड़ा मुश्किल होगा आपको पेपर में करना। देखो कहते क्या हैं, 3 चार्जेस, आपके पास 3 चार्जेस हैं, एक चार्ज कौन सा है Q1, वैल्यू कितनी दी हुई है 2 माइक्रो कूलम, माइक्रो का मतलब होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 10 की पावर -6, ठीक है, माइक्रो कूलम, तो Q1 आपको 2 माइक्रो कूलम का दिया हुआ है। अच्छा, Q1 और Q2 आपको दिया हुआ है, प्लस ज़रूर लगाना, उससे पता चल रहा है कि चार्ज पॉजिटिव है, 3 माइक्रो कूलम का, इसका भी वही मतलब है, और Q3 इन्होंने दे दिया है प्लस 4 माइक्रो कूलम का। आगे कहते हैं एंड प्लेस इन एयर, अच्छा ये तीनों चार्जेस किस में रखे हुए हैं, एयर में रखे हुए हैं, एट द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड्स 10 सेंटीमीटर। अब ये बहुत की पॉइंट है, इसको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। उन्होंने कहा है कि ये तीनों चार्ज जो है ना, चार्ज 1, चार्ज 2, चार्ज 3, ये तीनों एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें आपके पास तीनों साइड सेम वैल्यू आ रही होती है, तो तीनों चार्ज जिस वर्टेक्स पे रखे हुए हैं, ये इस तरह की डायग्राम आएगी, देख रहे हो, ये समोसा नहीं है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक साइड उन्होंने कह दी 10 सेंटीमीटर की है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मस्ट है कि तीनों साइड 10 सेंटीमीटर की होंगी और तीनों एंगल भी सेम होंगे, लेकिन एंगल से हमें कोई काम नहीं है, ठीक है, उसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अभी कोई काम नहीं है फिलफॉर। अच्छा, बना देता हूँ फिर भी ताकि समझ में आ जाए। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल का पता है ना क्या फंडा होता है, कि ये एंगल भी 60 का होगा, ये एंगल भी 60 का होगा, ये एंगल भी 60 का होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये खसूसियत होती है, ये लिख लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल TRIANGLE, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ए साइड ए वाली साइड, बी वाली साइड और सी वाली साइड, वैसे तो ये आर हैं लेकिन मैं ए बी सी इसलिए कह रहा हूँ ताकि अलग अलग हो जाए, ये तीनों बराबर होते हैं, ए बी सी, इन्हें मैं आर कहूँगा आगे जाके, जो कि बराबर हैं 10 सेंटीमीटर के, सही है, ये बात आप पता है, अल्फा ले लो या बीटा ले लो, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ये बराबर है थीटा के, जो कि होते हैं 60, ठीक है, तीनों एंगल बराबर होते हैं, तीनों साइड्स बराबर होती हैं, जब भी इक्विलेटरल बनता है। अच्छा, ये चार्ज Q1 है लेकिन पॉजिटिव है, ये चार्ज Q2 है पॉजिटिव है, पता कैसे चल रहा है पॉजिटिव है, यहाँ लिखा हुआ है पॉजिटिव Q1, Q2, Q3, ठीक है, वैल्यूस इधर की बने। अब कहते क्या है, अच्छा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल वाली जगह पे मुझे कुछ बनाना होगा, थोड़ी सी डायग्राम बनानी होगी, इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, इक्विलेटरल, ठीक है, स्पेलिंग सही कर लेता अगर गलत हो रही है तो, इक्वी, थोड़ी सी गलती हुई है कि ये आई आएगा, इक्वे
अच्छा अब देखो, अगर मैं यहाँ पर वो बनाऊँ अपना एक्सेसिस बनाऊँ, तो वो मैं यहाँ पे बनाऊँगा। उसकी वजह कि देखो, ये वाला जो चार्ज है, ये वाले चार्ज पर फोर्स तो अप्लाई कर रहा है बेशक, लेकिन मसला ये है कि इसका कुछ हिस्सा एक्स एक्सिस में है, कुछ हिस्सा वाई एक्सिस में है। क्यों? देखो आपके पास ऐसे होता है ना, चलो इसको मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ, समझ लो ये आपके पास चार्ज रखा हुआ है Q2 और यहाँ पर आपका है Q3, तो फोर्स यूँ लग रही है, तो कुछ हिस्सा वाई एक्सिस में आ गया, कुछ हिस्सा एक्स एक्सिस में, तो आपको रिजल्टेंट निकालना होगा। पहले आपके पास अभी रिजल्टेंट नहीं है, यानी आप क्या करोगे, Q1 जितनी फोर्स एक्स एक्सिस में लगा रहा है उसको कैलकुलेट करोगे, Q2 जितनी फोर्स एक्स एक्सिस में लगा रहा है उसको कैलकुलेट करोगे, किस पर, Q3 पर, उन दोनों को ऐड कर दोगे अगर ऐड हो रहे हैं तो। अच्छा, उसके बाद वाई एक्सिस में जो फोर्सेस लग रही हैं उन्हें भी ऐड कर दोगे। अब कैसे, देखो ये फोर्स को अगर मैं आगे कंटिन्यू कर दूं तो ये ऐसे लगेगी, ये वाली फोर्स ऐसे लगेगी, है ना। अब ये आ गया आपका एक्स एक्सिस, ये आ गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, ये आ गया आपका वाई एक्सिस, ये आ गया आपका वाई एक्सिस। अब एक मज़े की बात बताऊं, यहाँ पर एक्स एक्सिस इस तरफ जा रहा होगा और ये वाला एक्स एक्सिस इस तरफ जा रहा होगा, इसको याद रखना है, ये बड़ा ज़रूरी है, ये वाला वाई एक्सिस ऊपर की तरफ ही जा रहा होगा, ये वाला वाई एक्सिस ऊपर की तरफ ही जा रहा होगा, ठीक है। अब जो एंगल यहाँ बन रहा होगा वो यहीं से आ रहा होगा, जो एंगल यहाँ बन रहा होगा वो यहीं से आ रहा होगा। तो ये इसकी डायग्राम थी, इसको एज इट इज पेपर में भी ड्रॉ करना, फिर ही करना। अब सॉल्यूशन, अच्छा, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स एट एक्स एक्सिस, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तो पढ़े थे ना भाई, देखो ये कौन सी वाली फोर्स, अच्छा फोर्सेस को भी बता देता हूँ मैं यहाँ पर कि कौन सी फोर्स किधर लग रही है। तो ये Q2 वो फोर्स है, F2 वो फोर्स होगी जो Q2 की वजह से लगेगी, तो इसे, और एक्स एक्सिस में है तो 2x कहूँगा, समझ में आ रही है ना बात, चलो नहीं आ रही तो बता देता हूँ भाई। देखो ये तो आपको पता है F फोर्स है, इसकी वजह से इस चार्ज पे लग रही है, मगर एक्स एक्सिस में है वो, तो इसलिए 2 इसलिए आया कि चार्ज 2 की वजह से है, x इसलिए क्योंकि एक्स एक्सिस में जो लग रही है, और यहाँ पर Q1 की वजह से तो F1x आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसका x कॉम्पोनेंट लिख लिया, ऊपर वाला रिजल्टेंट है, y कॉम्पोनेंट भी तो है इसका, तो इसका ये y कॉम्पोनेंट हो गया और ये इसका x कॉम्पोनेंट हो गया, ठीक। अब रिजल्टेंट की तरफ जाते हैं, रिजल्टेंट एट x एक्सिस, रिजल्टेंट एट x एक्सिस। अब x एक्सिस में दो फोर्सेस हैं, एक है आपके पास, पहले तो इसे कह दो रिजल्टेंट को तो हम F कहेंगे, x कहेंगे, ठीक है। अब दो फोर्सेस हैं x एक्सिस में, एक है आपके पास F2x और दूसरी है आपके पास F1x। अच्छा याद रखना एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो F, अच्छा मैंने इसे भी x ही लिख दिया, सॉरी ये y है, गलती से x लिख दिया, ये y है। अच्छा देखो, तो रिजल्टेंट यहाँ बन रहा है, तो यानी ये साइन होगा क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर एंगल बन रहा है, यहाँ पर एंगल बन रहा है, तो ये साइन वाली साइड होगी और ये साइन वाली साइड होगी। अब साइन क्यों लग रहा है मैं भी बता दूंगा, पहले ज़रा देख लो मेरी बात, देखो। तो अब मैं यहाँ पर रिजल्टेंट एक्स कॉम्पोनेंट कैसे निकालते हैं, फार्मूला याद है ना कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटनियस, यही होता था, हाइपोटनियस यही होता था ना। अब हाइपोटनियस क्या है, एफ है, तो साइन थीटा, परपेंडिकुलर क्या है, मैंने कहा ना एंगल के सामने परपेंडिकुलर बनता है, तो F2y है ना, और हाइपोटेन्यूज क्या है, F, तो इधर चला जाओ, F साइन थीटा इज इक्वल टू, F साइन थीटा इज इक्वल टू F2y, ऐसे निकालते थे रिजल्टेंट, याद है पीछे करा था हमने बहुत बार ये काम, तो इस चीज़ को याद रखना, इस चीज़ को मत भूलना, ये आगे मैं भी करूँगा। अच्छा, अब एक्स एक्सिस में कितनी फोर्सें हैं, दो, एक F2x और F1x। अब x निकालना है तो cos लगाना होगा, जैसे यहाँ साइन लगाया ना वैसे वहाँ cos भी लगेगा, वो भी लगा देता हूँ, cos थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये असल न्यूमेरिकल था, बेस क्या दिया हुआ है, F2
F2 ले लो या 1 ले लो, एक ही बात है, F2x पहले में और F2, ठीक है, इधर भी 2 आएगा क्योंकि सेकंड फोर्स की बात कर रहे हैं ना, F2 cos थीटा इज इक्वल टू F2x, ठीक है, समझ में आ गया। अभी देखो ये, इसको मैं डायरेक्ट रिजल्टेंट करके लिखूंगा यहाँ पर, इसको याद रखना ताकि भूलना मत। अच्छा, अब x एक्सिस में, अब देखो दोनों फोर्सेस अपोजिट है, एक उस तरफ जा रही है एक इस तरफ आ रही है, तो इसीलिए रिजल्टेंट एट x एक्सिस में क्या आ गया आपके पास, F2। अब देखो F2x इसके बराबर है cos थीटा के, तो इसीलिए यहाँ cos थीटा आया, ठीक है। तो पहले 1 लिख लो, पहली वाली चीज़ पहले ही लिखते हैं ना, तो ये भी cos की वजह से आएगा, देख लो ये उस तरफ लग रही है cos थीटा, अब यहाँ प्लस आ गया, लेकिन ये माइनस में आएगी क्योंकि ये अपोजिट है उसके, तो ये हो गया F2 cos थीटा। समझ में आई बात कैसे हुआ? अगर नहीं समझ में आ रही तो देखो यहाँ मैंने बना दिया है ताकि बात समझ में आ जाए। तो ये आपकी वो फोर्सेस आ गई जो एक्स एक्सिस में है, अब वो फोर्स निकाल लो जो वाई एक्सिस में है। इसको पहले लिख दो सिंप्लीफाई करके, F1 cos थीटा माइनस F2 cos थीटा। अब रिजल्टेंट एक वाई एक्सिस, रिजल्टेंट एट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में दो फोर्सेस है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, एक कौन सी है F1 sin थीटा और दूसरी कौन सी है F2 sin थीटा। ज्योमेट्री स्ट्रांग होनी चाहिए यहाँ, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री दोनों स्ट्रांग होनी चाहिए जब ये आगे होंगे, ये एक्स्ट्रा पार्ट था इसको लिख लेना, तो ये मैंने लगावा दिया था। भाई देखो किसी भी चीज़ पर दो फोर्सें लग रही हैं ना, और वो अलग अलग कॉम्पोनेंट्स बना रही हैं, एक एक्स कॉम्पोनेंट बना रही हैं एक वाई, ये अलग अलग करने की वजह ये है, आप लोग सोच रहे होगे सर इसको ऐड, इसको निकालो ऐड कर दो, ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि देखो उसकी वजह ये है कि अगर आप इस तरह से कर दोगे ना, तो उससे फिर आपका जो x कॉम्पोनेंट है और y कॉम्पोनेंट है वो भी आपस में ऐड हो जाएगा, x y कॉम्पोनेंट ऐड नहीं होता, सिर्फ x कॉम्पोनेंट ऐड होता है, जैसे देखो सिर्फ x कॉम्पोनेंट ऐड किया और y कॉम्पोनेंट, इस वजह से इसलिए ये किया है, वैल्यू अलग आती, समझो बात को ताकि आसानी से समझ पाए। अच्छा अब देखो ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम तो बनता ही होगा इसके ऊपर, लेकिन यहाँ पाइथागोरस थ्योरम नहीं है यार, मैग्नीट्यूड निकालो इसका। वैसे ये फॉर्मूला जो मैं अभी लिखूंगा ना पाइथागोरस थ्योरम से ही बनता है। अब आपको एक्स कंपोनेंट दे दिया और वाई कंपोनेंट दे दिया, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट की मदद से मैग्नीट्यूड निकालने का क्या फॉर्मूला बनता है एफ, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो टोटल फोर्स जो इस पे लग रही है यानी रिजल्टेंट फोर्स दोनों कंपोनेंट को मिलने के बाद, तो एफ एक्स का स्क्वायर प्लस, जाना पहचाना फॉर्मूला है ना ये, बहुत बार पढ़ा था मैथ में, अक्सर मैं मैथ में पढ़ाता था ये चीज़ें, तो बोलता था कि फिजिक्स में समझ में आएगी ये क्यों होती हैं, वहाँ पर ये इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते थे एक एक्सरसाइज के एक पार्ट में एक क्वेश्चन में। अब एक्स क्या है पुट करो, तो ज़रा ये बड़ा फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, तो एक्स क्या है आपके पास, ये एक्स आ गया आपके पास। आप बोलोगे सर ये तो बुक में नहीं है, बिल्कुल सही है ये बुक में नहीं है, मैं भी इसे पूरा नहीं खोलूंगा, अभी देखना मैं क्या करता हूँ, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जो समझ नहीं आएगा। 1 sin theta + F2 sin theta² आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये फॉर्मूला, मतलब इसको स्क्वायर खोलो, इसको स्क्वायर खोलो और सिंप्लीफाई कर दो, तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद कुछ ऐसी फॉर्म बना लेगा, ठीक है, सिंप्लीफाई होने के बाद ये प्लस है याद रखना, ये कुछ ऐसी फॉर्म बना लेगा, F इज इक्वल टू होल रेडिकल F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा आता है, लेकिन यहाँ पर साइन भी है तो इसलिए कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक चीज़ जो मैंने स्किप करी इसकी सिंप्लीफिकेशन, वो मैं नहीं करा सकता, वीडियो मजीद और लेंदी हो जाएगी, ये 4-5 घंटे की हो जाएगी अगर इसको सिर्फ सिंप्लीफाई मैंने ले लिया तो। तो अब क्या करना है, अब हमने F1 और F2 कैलकुलेट करना है, फॉर F1 एंड F2
तो सबसे पहले F1 कैलकुलेट, और फिर F1 F2 को इसमें पुट करेंगे। F1 क्या आएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब F1 क्या है ये समझो, Q1 और Q2, Q1 और Q3 के दरमियान जो फोर्स है वो F1 है, ठीक है, और ये जो है वो R1 आएगा, R1 का स्क्वायर, ठीक है, कर दिया ना क्लियर। और ये जो है वो R2 होगा Q2 और Q3 के दरमियान फोर्स। अगर Q1 और Q2 के दरमियान फोर्स पता करने का कहते हैं तो वो बहुत आसान है, क्योंकि वो फोर्स सिर्फ x एक्सिस में ही है, y एक्सिस में इसका कोई हिस्सा नहीं है। ज़रा आओ कैलकुलेट करते हैं, तो ये 2 नहीं होगा 3 हो जाएगा। तो K क्या है, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। Q1 क्या है, अच्छा माइक्रो को खोल देना, जो माइक्रो को खोलोगे तो 10 की पावर 6 हो जाएगा, और 3 नहीं बल्कि 4 है ना, तो वो Q3 4 है, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। और ये किस में है, सेंटीमीटर में, आपको मीटर डालना होगा, तो 0.10। कैसे, कि जब आप 10 के साथ 100 को डिवाइड लोगे तो वो हो जाएगा 0.1 मीटर, ठीक है, सिंपल जो काम करते हो वही करा। अब इसको पूरे को एक साथ सॉल्व करो, बेशक ये न्यूमेरिकल काफ़ी लेंदी है लेकिन ये असल कॉन्सेप्ट है, ये तो बैचलर वालों को भी इस तरह के न्यूमेरिकल शायद ही कराए जाते होंगे, जो आप लोगों को इन्होंने अभी करा दिए हैं। आई थिंक बैचलर में जाके तो आप लोग सिर्फ इन्जॉय करोगे। तो ये वैल्यू आ रही है, अच्छा ये थोड़ा सा सही कर दूँ तो ये 7.2 आ रही है, ठीक है 7.2। अब F2 कैलकुलेट करते हैं, फार्मूला फॉर F2 लिख देता हूँ। फार्मूला क्या रहेगा, K, अब फोर्स किसके दरमियान है, 2 और 3 के दरमियान, तो Q2 और Q3 हो जाएगा, और R का स्क्वायर। अब R क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2, तो ये R2, ठीक है, बेशक एक ही वैल्यू है लेकिन फिर भी अलग कर रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए बात। अच्छा Q2 क्या है, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, और Q4 तो वही है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। R क्या है, 0.1। अब आप बोलोगे सर 0.10 क्यों नहीं लिख रहे, लिख लो एक ही बात है, चलो वैल्यू आ गई आपकी। नाइन मल्टीप्लाई 9, 3 एक्सपोनेंट -6 मल्टीप्लाई 4 एक्सपोनेंट -6, 4 एक्सपोनेंट -6, तो रुको एक मिनट, 9 मल्टीप्लाई 9 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाई 3 एक्सपोनेंट -6 मल्टीप्लाई 4 एक्सपोनेंट -6 डिवाइडेड बाय 0.1 का स्क्वायर, तो 10.8 आ रहा है आपके पास। अब पुट कर दो इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 कर लेते, पहले आओ कंफर्म तो कर लें दोनों आंसर सही आए गलत है। हाँ बिल्कुल ठीक है, एक गलती है, फोर्स है तो न्यूटन लिखो ना, फोर्स है तो न्यूटन लिखो ना, ये न्यूमेरिकल ऐसा था कि एक घंटा तो लेता अगर मैं इसको आप बहुत डिटेल में ले जाता। अच्छा पुट इन इक्वेशन 1, पुट F1 एंड F2 इन इक्वेशन 1। अच्छा याद रखना F1 ये वाली फोर्स है और F2 ये वाली फोर्स है, ठीक है, आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। तो चलो इसको आगे करते हैं, अब मेरे पास वैल्यू क्या है, चलो सारी वैल्यूज मैं यहाँ पुट कर दूंगा। F1 क्या आया है मेरे पास, 7.2 का स्क्वायर लूंगा, F2 क्या आया है, 10.8 का स्क्वायर लूंगा, ठीक है, और प्लस 2 मल्टीप्लाई F1 कितना है 7.2, और F1 कितना है 7.2। देखो बस वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, या F1 F2 2 F1 फिर F2 जो कि 10.8 है, और मल्टीप्लाई इससे क्या हो रहा है साइन, एक मिनट रुको, साइन 2 और 60। मैंने पहले ये बात बोली थी ना कि एंगल 60 है, क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और माइनस कॉस स्क्वायर 60, ठीक है, ये लो छोटा छोटा करके लिख दिया लेकिन नज़र आ रहा होगा, ये मैं बता देता हूँ साइन स्क्वायर 60 माइनस कॉस स्क्वायर 60। अच्छा अब सिंप्लीफाई कर दो इन्हें,
मैं डायरेक्ट नहीं कराऊंगा क्योंकि बुक में डायरेक्ट किया गया है, वैसे तो मुझे भी डायरेक्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा चलो करा देता हूँ। मैं इतना डायरेक्ट कर लूँगा कि पहले एक एक चीज़ें कैलकुलेट कर लूँ। अच्छा देखो, पहले इन दोनों को एक साथ कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो 7.2 का स्क्वायर प्लस 10.8 का स्क्वायर तो आ रहा है आपके पास। पहले मैंने 7.2 का स्क्वायर किया, फिर प्लस 8.2 का स्क्वायर करा और इन दोनों का ऐड कर लिया, तो 168.48 ये पहला नंबर हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 10.8 तो मेरे पास आ रहा है 5.52। अब इन दोनों को ज़रा सॉल्व करते हैं, मगर इस कैलकुलेटर में एक मसला है, अभी वो मसला दिखाता हूँ मैं। वो मसला ये है कि ये साइन को ना सही से सॉल्व नहीं करता, साइन को सही से सॉल्व नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको मैं इससे कर रहा हूँ, क्योंकि उससे मैं सॉल्व करता ना तो मसला आता। वो क्या करता है, वो ये करता है कि वो पहले एंगल पे स्क्वायर डालता है फिर उसको कॉस कर लेता है। ये नहीं करना आपने, आपने क्या करना है, आज मेरे बोर्ड में भी, मतलब आज मेरे बोर्ड नहीं था, मतलब आज मेरे यूनिक एग्ज़ाम में भी ये सवाल था जिसमें ऐसा करना था। तो 60 पहले मैंने लिया फिर उसका स्क्वायर लिया, तो देखो कितना आ रहा है, -0.26। अब देखो साइन लिया और 60 लिया, ठीक है, अब इसका स्क्वायर ले लिया, देखो ये सही नंबर आया, अब ये सही नंबर आया। यानी पहले आपने साइन 60 सॉल्व करना है, साइन 60 सॉल्व करा, ठीक है, उसके बाद इसका स्क्वायर लेना है। एक मिनट रुको ज़रा, आंसर का स्क्वायर, ठीक है, तो ये ऐसे होगा। असल में ये डायरेक्ट सॉल्व कर देता है, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई इसको डायरेक्ट सॉल्व करने से बचना, क्योंकि अभी तो शायद आप लोग इसे रट लो या याद कर लो, बोर्ड में ऐसा नहीं होगा, बोर्ड में ये मसला कर जाएगा। तो आपने क्या करना है, मैं ज़रा यहाँ बता देता हूँ, आपने पहले साइन 60 कैलकुलेट करना है, जो कि आ रहा है, इसमें अलग वैल्यू आ रही है, उसमें अलग वैल्यू आ रही थी। देखो पहले साइन 60 कैलकुलेट कर लिया, एक मिनट ज़रा ये ऐड हटा दें पेप्सी का, हमें नहीं चाहिए पेप्सी। तो देखो साइन 60 आ गया, अब आंसर कितना आ रहा है, 0.86 आ रहा है ना, तो 0.86 का स्क्वायर अब सही नंबर आया आपका, तो इसको मल्टीप्लाई करा दो, 0.73। अच्छा अब इसको इससे भी इससे माइनस भी करना होगा पीछे वाले नंबर से, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूँ जिससे पता चल पा रहा है कि वो 155.52 से मल्टीप्लाई होगा। अब आप खुद बताओ क्या ये चीज़ें मैं कम टाइम में करा सकता हूँ, तो ये 0.5 आएगा। अब 0.5 का स्क्वायर लो तो ये 0.25 आएगा, 0.25। अब देखो ज़रा मज़े की चीज़, कॉस 60 का स्क्वायर बना रहा है, देख रहे हो, तो ये चीज़ ज़रा ध्यान रखना कि कॉस 60 स्क्वायर अगर करोगे ना तो वो क्या करेगा, पहले वो क्या कर रहा है पता है, वो पहले 60 पे स्क्वायर ले रहा है फिर उसको कॉस में सॉल्व करा रहा है। तो भाई इस चीज़ से बचना ताकि मुश्किल ना हो। चलो इतनी मेहनत कर ली, समझ में आ गई होगी बात, आई होप। अच्छा थोड़ी जगह बच जाए, तो 168.48 प्लस 155.52। अब इसके साथ ये माइनस करके मल्टीप्लाई करा दो, 0.73 माइनस 0.25 तो ये आ रहा है 0.48। अब यहाँ मैं फाइनल आंसर मैं नोट करा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ से तो मुश्किल नहीं होगी ना आपको जाने में आगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर कर ऐड करो फिर स्क्वायर रूट, लेकिन मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। कैसे, वैसे तो मैं पूरा ही डायरेक्ट कर सकता था क्योंकि उसका आंसर तो बुक में गिवन था ना, लेकिन मैंने कहा वेरीफाई भी करा दूँ ताकि आप लोग थोड़ा और अच्छा अंडरस्टैंडिंग डिवेलप करो। मल्टीप्लाई 0.48 तो ये आ रहा 15.59, और यही जवाब बुक में भी गिवन है 15. अब वहाँ 69 है या 59 आया, लेकिन मैं यही लिखूँगा 15.59। अब जो बच्चा ये लिख कर आएगा ना उसको भी पूरा मार्क्स बोर्ड में मिलेंगे,
ठीक है, क्योंकि हमने अपनी मेहनत से किया है ये काम, तो ये ज़्यादा अच्छा है। अगर राउंड ऑफ करोगे तो ये 60 हो जाएगा, 15.60। अब जो सेल्फ असेसमेंट है वो मैं चला दूंगा, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं रही है कि मैं आगे और बोल सकूं, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा आगे बोला तो मेरे गले में दर्द हो जाएगा, मेरा अक्सर यहाँ दर्द हो जाता है अंदर की तरफ। आई होप अच्छा समझ में आया हो। फिर भी देखो भाई, हो सकती है कुछ बात ना समझ में आई हो, गलती हो गई हो, तो आपने क्या करना है, वीडियो को पहले दोबारा देखना है, फिर मुझसे पूछना है, ज़रूर बताऊँगा। तो सेल्फ असेसमेंट चल रहे होंगे उनको देख लो, उसकी एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह बाद में दे दूँगा। वैसे तो वही है जो कि मैंने पढ़ाया है, तो उसको उससे समझ लेना। इसको ज़रूर करके जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर बोर्ड एग्जाम, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर बोर्ड एग्जाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर बोर्ड एग्जाम। बात समझ ना आई तो पूछ लेना, बता दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में जरूर याद।